अनाथ भाई बहन का लहंगा। बंटी और पिंकी बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो चुका था। उनकी माँ के देहांत होने के बाद उनके पापा उन दोनों भाई बहन की अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। पर उसके पिता भोला को क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ रिंकू एक दुष्ट औरत है और वो उसके बच्चों को नौकर बनाकर रखेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भोला अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसी गम में भोला बीमार पड़ जाता है और एक दिन भोला पिंकी और बंटी की माँ की तरह इस दुनिया से चल बसता है। भोला के मरने के बाद रिंकू पिंकी और बंटी को मारते हुए उनसे बोलती है, बहुत खा लिया मेरे घर का खाना, अब तो तेरा बाप भी मर चुका है ना, इसलिए तुम दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके हो। अब जल्दी से अपनी माँ की और बाप की फोटो लो और मेरे घर से निकल जाओ। पर माँ, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? हम पर थोड़ी दया करो माँ। तुम पर और दया करूं? अरे इतने सालों से तो तुम दोनों पर दया कर रही थी। चलो अब जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इतना बोलकर रिंकू उन दोनों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब पिंकी और बंटी अपनी मम्मी और पापा की फोटो लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बहुत दूर जाने के बाद बंटी बहुत थक जाता है और वो पिंकी से बोलता है, दीदी दीदी मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या हम यहाँ पर आसपास किसी से पानी मांग ले? हाँ बंटी, तुझे प्यास लगी है ना, तू एक काम कर, तू यहीं पर बैठ जा, मैं किसी से तेरे लिए पानी मांग कर लाती हूँ बंटी। ये बोलकर पिंकी बंटी को एक पेड़ के नीचे बैठा देती है और अपने माता पिता की तस्वीर उसके हाथों में थमा कर पानी मांगने के लिए निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से पिंकी एक घर से पानी मांग कर बंटी के लिए ले जाती है, तभी उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। पिंकी बहुत जोर से चिल्लाती है। अपनी बहन के पैर में कांटा लगा देख कर बंटी बहुत रोता है और अपने माँ बाप के तस्वीर से बोलता है, माँ तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? देखो देखो दीदी के पैरों में कांटा चुभ गया है और कितना खून भी निकल रहा है, मैं क्या करूं कि दीदी का पैर ठीक हो जाए? माँ तुम क्यों चली गई? अब देखो पापा भी हमें छोड़कर चले गए और हमारी सौतेली माँ ने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। हमें बहुत भूख भी लग रही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो रहने के लिए भी हमारे पास कोई घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे माँ? पिंकी और बंटी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं कि तभी उनकी माँ की आत्मा आती है और अपने दोनों बच्चों से बोलती है, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मैं भले ही इस दुनिया में नहीं हूँ पर तुम दोनों की माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमारे पास क्यों नहीं हो माँ? हमारे साथ क्यों नहीं रहती? हमें आपकी बहुत याद आती है, देखो हमारी क्या हालत हो गई। बेटा मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं, पर मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। और पिंकी बेटा, जब तुम बहुत छोटी थी तब मैंने तुम्हारे लिए एक लहंगा सिला था, पर उस समय मैं तुम्हें वो लहंगा नहीं दे पाई क्योंकि भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, पर मैं उस लहंगे में अपनी दिव्य शक्ति डालकर तुम्हें दे रही हूँ। ये एक जादुई लहंगा है और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी बेटा। इतना बोलकर उसकी जादुई माँ वो लहंगा पिंकी को देती है। पिंकी जादुई लहंगे को लेकर अपनी माँ से बोलती है, पर माँ मुझे ये लहंगा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए था, माँ की ममता उसका लाड चाहिए, आप हमारे साथ रहो, आप भगवान से कह दो ना कि मेरे बच्चे अब अनाथ हो गए हैं, हम आपको हमारे पास वो भेज देंगे। बेटा एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है फिर वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाता, पर ये जादुई लहंगा मैं तुम दोनों को देकर जा रही हूँ, इसीलिए तुमसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा बेटा, तो अब तुम दोनों कभी दुखी नहीं होना, ठीक है? इतना बोलकर पिंकी और बंटी की माँ चली जाती है। अपनी माँ के गायब होते ही बंटी जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ को पुकारते हुए बोलता है, दीदी माँ कहाँ चली गई? इतने दिनों बाद तो वो हमारे पास
चाही थी और वो हमसे दूर चले गए। अब हम क्या करेंगे? तू रो मत बंटी। माँ ने ये जादुई लहंगा मुझे दिया है ना, और माँ ने बताया था कि ये जादुई लहंगा है। एक बार हम इस जादुई लहंगे का जादू देख लेते हैं। क्या पता सच में माँ हमसे दूर ना गई हो, बल्कि इस लहंगे के जरिए हमारे ही पास हो। शायद तुम सही बोल रही हो दीदी। दीदी पर इस लहंगे से तुम सबसे पहले अच्छी अच्छी चीजें मांगना खाने को, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। जिसके बाद पिंकी जादुई लहंगे से अपने और अपने भाई के लिए खाने को खाना मांगती है। वो जादुई लहंगा उन दोनों को तरह तरह के पकवान देता है, जिसे खाने के बाद बंटी को बहुत नींद आने लगती है और पिंकी उस जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगा मेरे भाई को नींद आ रही है, उसके सोने का इंतजाम कर दो, या तो हमारे लिए कोई घर ढूंढ दो जिसमें हम रह सके। पिंकी के बोलते ही जादुई लहंगा उनके लिए एक आलीशान घर बना देता है, जिसके अंदर जाकर बंटी सो जाता है और पिंकी पूरे घर को देखती है। घर अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। अब पिंकी भी उस घर में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जादुई लहंगा उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी मार्केट से घर आ रही होती है, तभी उसे उसकी सौतेली माँ दिखती है। पिंकी की सौतेली माँ रिंकू की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। रिंकू रोड पर आ चुकी होती है और लोगों के सामने भीख मांग रही होती है। अपनी सौतेली माँ की ये हालत देखकर पिंकी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? किसने की तुम्हारी ये हालत? बेटा ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो भगवान ने मुझे दिया। तुम दोनों को घर से निकालने के बाद उस घर में मैं आज की जिंदगी जी रही थी, पर मैं ये भूल गई थी कि खाली घर में बैठने से पेट नहीं भरता और न ही घर चलता है। मैंने एक एक करके सारी चीजें बेच दी और मैं रोड पर आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं माँ ऐसा मत बोलो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको ऐसे दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। पिंकी अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये सब देखकर रिंकू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और वो बोलती है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, जो मरने के बाद भी उसने तुम्हारे लिए ये सब किया और मैं बहुत बुरी हूँ। तुम एक बच्चे होकर इतने समझदार हो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और वैसे भी गलती तो इंसान से होती है ना माँ, और माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो या सगी। हाँ माँ मैंने भी आपको माफ किया, अब आप हमारे साथ खुशी खुशी रहिए हमारी जादुई लहंगे के साथ। जिसके बाद वो तीनों जादुई लहंगे की मदद से उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब अनाथ भाई बहनों को भी माँ का प्यार मिल जाता है और जादुई लहंगे की वजह से उनको कभी भी किसी भी चीज की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।